हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आज हम बनाएंगे सांभर डोसा और काला चटनी। इसके लिए पहले 1 कप उड़द दाल, 3 कप चावल, 1 चम्मच मेथी, 3 चम्मच चना दाल। इसमें पानी डाल के 5-6 घंटे के लिए भिगो देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बर्तन लीजिएगा ताकि चावल और दाल को फूलने में आसानी हो। अब बना लेंगे कारा चटनी। कारा चटनी के लिए पहले गैस में एक पैन चढ़ाएंगे। पैन में डालेंगे थोड़ी सी तेल, 4-5 सूखा मिर्च, 2 चम्मच उड़द दाल, 4 चम्मच चना दाल, थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता को भी भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे कटे हुए 3 टमाटर, 1 टमाटर अच्छे से भूनने के बाद उसे एक जार में निकाल लेंगे। मेरे पास भुना हुआ नारियल का बुरादा था, 1/2 कप नारियल का बुरादा डाल लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 कप पानी डालेंगे। इसे फाइन पेस्ट होने तक ब्लेंड करेंगे। चटनी को एक बाउल में निकाल लेंगे। सरसों, मेथी, मिर्च और कड़ी पत्ता का छोंक लगाएंगे। कारा चटनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बनाएंगे सांभर। सारे वेजिटेबल को थोड़ा सा भून लेंगे। मैंने यहाँ पर वेजिटेबल में आलू, बैंगन, कद्दू, गाजर और मुरिंगा को लिया है। आपको जो सब्जी पसंद है वो ले सकते हो। इसे 5 मिनट तक भूनना है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी और 2 टमाटर डाल देंगे और 5 मिनट तक भूनेंगे। सारे सब्जी 1/2 कुक होने के बाद उसमें डालेंगे तुअर की दाल। मैंने यहाँ पर अरहर दाल और तुअर दाल को मिक्स करके लिया है। यहाँ पर हमारा सांभर का मसाला भून के रेडी है। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। सांभर मसाला का वीडियो पूरा शूट नहीं किया है, फिर कभी दे देंगे। अब इसमें डालेंगे इमली का पल्प, 1/2 चम्मच सांभर मसाला। करछी को अच्छे से चला लेंगे। अब डालेंगे 1 चम्मच गुड़, तेल, राई, मेथी, कड़ी पत्ता और सूखी मिर्च से छोंक लगा लेंगे। थोड़ी सी हींग भी डाल दीजिएगा छोंक में। सांभर हमारा रेडी है। अब बनाएंगे डोसा। दाल चावल को पीस के मैंने रात भर के लिए छोड़ दिया था। तवा में बटर को पोर करेंगे और धीरे धीरे हल्के हाथों से घुमाएंगे। डोसा के चारों ओर 1 चम्मच तेल डालेंगे। करारे प्लेन डोसा हमारा रेडी है। तवा में थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे और 1 कपड़े में पोंछ लेंगे। फिर से वही प्रोसेस करना है। डोसा के ऊपर मसाला आलू लगाएंगे, दोनों साइड से फोल्ड करेंगे, अब निकाल देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ।